आज 14 जनवरी 2024 है, तो आज लास्ट डेट है ISPL के रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आज कर लीजिए, आज के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, ISPL ने एक बार डेट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट किया था, उसके बाद वो डेट उन्होंने डिलीट कर दिया। तो हमने भी सोचा कि आपने भी सोचा होगा कि शायद ट्रायल्स की डेट आगे बढ़ गई है। ट्रायल्स की डेट आगे नहीं बढ़ गई है, उन्होंने जो दो वेन्यू थे जिनका ट्रायल डेट अनाउंस नहीं किया था उनका अनाउंस कर दिया है। जैसे रायगढ़ और नासिक, यहाँ के ट्रायल डेट नहीं अनाउंस थे, अनाउंस हो चुके हैं। अब रायगढ़ और शायद पालघर या नासिक किसी एक का, तो 15 जनवरी को यहाँ ट्रायल्स होंगे। तो ISPL के पहले ट्रायल्स 15 जनवरी को रायगढ़ और नासिक में होंगे। तो अब वेन्यू और डेट क्लियर हो चुका है। आपके कुछ डाउट्स हैं जो मेरे पास आ रहे हैं, तो उस पर उसको हम लेंगे। तो पहला डाउट जो आपका आ रहा है कि क्या फिजिकल ट्रायल में क्या ISPL देखेगा। देखिए, फिजिकल ट्रायल में कुछ नहीं ISPL देखेगा। ISPL जो देखेगा वो आपके स्किल्स देखेंगे, बैटिंग या बॉलिंग। आपकी फील्डिंग भी नहीं चेक की जाएगी, फिजिकल ट्रायल कुछ भी नहीं लिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे पास सबसे ज्यादा, कि क्या मुझे किट ले जाना पड़ेगा, किट देगा ISPL? कुछ नहीं, आपको लोअर टी शर्ट शूज में जाना होगा। बैट आपको ISPL देगा, बैट आपको ISPL देगा, बॉल आपको ISPL देगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा डाउट आपके पास आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आप क्या ले, आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ प्रिंट आउट लेना है जो आपको गोल्डन टिकट मिला ईमेल का, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आधार कार्ड लेकर आप जाकर ट्रायल दे सकते हैं। देखिए, आज लास्ट डेट है, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आज कर सकते हैं, बहुत ईजी है। टेनिस बॉल से ट्रायल है, आपको भी पता है। अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जाने की, तो आपको टेनिस बॉल से जैसे खेलते हैं उसी तरीके से आपको खेलना होगा। लेदर बॉल नहीं है, इसलिए इसमें किट की जरूरत नहीं है, हेलमेट पैड ग्लव्स वगैरह की जरूरत नहीं है। और ट्रायल से रिलेटेड जितने भी चीज होगा वो आपको ISPL देगा। आपके क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि क्या आने जाने का किराया भी ISPL देगा? नहीं देगा ISPL। ISPL आपको कुछ भी नहीं देगा जब तक ऑक्शन की टीम में आप नहीं आ जाओगे। आप जब टीम में आओगे तब ISPL सर्विसेज कुछ भी प्रोवाइड करेगा, और रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई शुल्क भी ISPL आपसे नहीं लेगा। कि जैसे अगर आप सेकंड फेज के लिए ट्रायल के लिए सिलेक्टेड हो गए, सेकंड फेज जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों के डाउट ये आ रहे हैं कि सेकंड फेज का मतलब क्या हुआ। जैसे पहले ट्रायल्स के बाद जितने लड़के सेलेक्ट होंगे उनका ट्रायल होगा मुंबई में, मुंबई में ट्रायल्स होने के बाद फिर शॉर्टलिस्टेड 365 बच्चों का ऑक्शन होगा। उस ऑक्शन में से 90 प्लेयर्स पे बिड लगेगी 3,00,000 से 55,00,000 तक, मिनिमम 3,00,000, मैक्सिमम 55,00,000 जो बिकेंगे, जो खेलेंगे ISPL के खिलाड़ी। तो जो भी डाउट है क्लियर हो गया। फिर से मैं हम भी ऐसा हर वीडियो में कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, अगर आप टेनिस बॉल के अच्छे खिलाड़ी हो तब भी रजिस्टर करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आज या कल में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जरूर हमारे साथ जुड़े, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पेमेंट फेल वाली क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा आ रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, तो ISPL भी कह रहा है कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी, जैसे मेरे पास कम से कम 100-200 खिलाड़ियों के मैसेजेस आए, जिसमें से 80% प्लेयर्स के हमने इशू सॉल्व कर दिया, ISPL ने सॉल्व कर दिया, लेकिन 20% अभी भी इशू सॉल्व नहीं हुआ है। तो आज उनके हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, और ये पूछना है कि मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो गोल्डन टिकट नहीं मिला है, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है कि मैं कैसे ट्रायल देने जाऊँ। तो चलिए, बात करने के बाद हो सकता है तो शाम को उस पर भी हम वीडियो